साइंस की दुनिया। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी कि रघुवंश स्कूल के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जो लोग आर्थिक स्थिति से परेशान है उनको स्कूल के द्वारा, स्कूल के जो संचालक श्री प्रदीप रघुवंश जी हैं उनके द्वारा सभी स्टूडेंटों को बुक्स, बैग और यूनिफॉर्म स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। तो मेरा आपसे ये मैसेज देने का निर्णय ये है कि जो व्यक्ति कोरोना महामारी को देखते हुए आर्थिक स्थिति से परेशान है आप उन तक हमारा ये मैसेज पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। ये मैसेज आपके लिए भी है और जो असहाय लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से परेशान है उन तक हमारा ये मैसेज पहुँचाने में आप हमारी हेल्प कीजिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारी क्लास की ओर। तो देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर तो आपका इनरोलमेंट का कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले ये देखिए ये आपकी क्या है, एक्सेसरीज है। ये आपकी एक्सेसरीज है, ये आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर से मिला हुआ ये पार्ट है, मिला हुआ कोर्ट से एक्सेसरीज। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कॉपी में लिखवा दिया, सेकंड भी लिखवाया है, थर्ड भी लिखवाया, चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया है। अब आप सारे स्टूडेंट मेरे को ये एक्सेसरीज कॉपी में नोट इन कर देंगे, मैं चेक करूंगी किसका सही है किसका गलत है। इसको सॉल्व करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, या जहाँ पर आप कोचिंग जाते हो उन टीचरों की भी हेल्प ले सकते हो, या अपने भाई बहन यूपी के घर में आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन मेरे को ये एक्सेसरीज कॉपी में कम्प्लीट चाहिए, ये आज का आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्टेड। There are many types of plant and tree around us. हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। Plant are categorized into five main group. Categorize मतलब इनको five group में बांट दिया गया है, five group में इनको विभाजित कर दिया गया है। Tree. तो आपका पहला क्या है? Tree. Tree मतलब आपको पता होगा पेड़। ये आपका topic है tree. Topic आपको पता होगा कि topic क्या है? इसकी तना और इसकी लकड़ी बहुत ही ज्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत होती है। देयर आर मैनी बैचलर ऑन द स्टेम और इसकी शाखाएं भी बहुत बड़ी होती है। दे ग्रो इन डिफरेंट शेप एंड साइज, इनका शेप भी अलग होता है और इनका साइज भी अलग होता है। इस किनका बात चल रही है? ट्री की। ट्री का शेप एंड ट्री का साइज क्या होता है? बड़ा अलग होता है, बड़ा होता है। इफ वन स्पेक्ट ट्री है जो वेरी टेन स्टिक और ये पंखे के आकार के हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो बड़े होने के बाद में एक अलग रूप ले लेते हैं, अलग रूप ले लेते हैं, तो पंखे के आकार का रूप ले लेते हैं। आपने देखा होगा नारियल का पेड़, ओनली फ्यू लीव्स एंड फ्रूट ग्रो इन इट टॉप लाइक कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री यानी कि नारियल का पेड़। आपने देखा होगा नारियल का पेड़, मैं वैसा तो नहीं बना सकती पर आपको फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं नारियल कोकोनट ट्री आपको बताती हूँ। ये देखिए ये क्या हुआ, मान लीजिए ऐसा है तो नहीं है पर आप लोग मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्या है, कोकोनट यानी कि नारियल का ट्री। तो आपने देखा होगा कि ये बड़ा होने पर देखिए ये पंखे का आकार ले लेता है, इसके जो पंख है वो एक पंखे के समान हो जाती है, जो इसकी पत्तियां हैं वो किसके समान हो जाती है, पंखे के समान। तो नारियल का जो पेड़ है वो क्या होता है, इसका आकार भी देखिए आप, इनका आकार भी चेंज हो जाता है, इनका साइज भी चेंज हो जाता है और इनकी जो पत्तियां हैं, इनकी जो है पत्तियां जो फल पत्तियां वो भी एक पंखे के आकार ले लेती है। उसके बाद में आता है हर्ब। हर्ब मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी। ये आपका क्या है? सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है आपका? हर्ब। इस हिंदी में इसकी मीनिंग क्या है? जड़ी बूटी। इस कॉल में जड़ी बूटी हिंदी मीनिंग। हर्ब आर स्मॉल वीक एंड ग्रीन स्ट्रॉन्ग प्लांट। छोटे और मतलब हर्ब स्मॉल यानी कि छोटे और तने कमजोर पौधे के होते हैं। दे हैव मेडिसिन वैल्यू
हिंदी स्पिच मतलब पालक ईटीसी आर अदर हर, ये सारी जड़ी बूटी होती हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटी होती है? तुलसी, मिंट मतलब पुदीना, जैस्मिन यानी कि चमेली का पेड़ होता है, स्पिच यानी पालक, ये हमारी काय में आती है, हमारी जड़ी बूटियों में आती है। उसके बाद में आता सर्वस, सर्वस ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है सर्वस। अभी आपने ट्री के बारे में पढ़ा था, हर्ब्स के बारे में, हर्ब मतलब जड़ी बूटी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सर्वस। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्व आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट बट टेलर देन हर्ब। ये बहुत ही स्मॉल प्लांट होते हैं, बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं, और मतलब छोटे प्लांट होते हैं बट टोलर देन हर्स, यानी कि जो जड़ी बूटी होती है, जड़ी बूटी जो होते हैं उनसे लंबे होते हैं। दे हैव गुड बूटी एंड बूफी स्टेम, जो घने होते हैं और मतलब जो घने होते हैं और जो ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, घास फूस वाले हो जाते हैं। सर्वल ब्रांचेस ग्रो फॉर्म एट बेसिस, इनकी शाखाएं बहुत बड़ी होती है। रोज टमाटो कॉटन प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइवल। रोज, रोज का पेड़ यानी गुलाब का पेड़, टमाटो टमाटर का पेड़, कॉटन कॉटन का पेड़, ये सारी क्या होती है? ये सारे हमारे सर्वस होते हैं, इनकी शाखाएं चारों ओर फैल जाती है। ये दिखने में आकार में छोटे होते हैं पर इनकी जो शाखाएं होती है वो चारों ओर फैल जाती है, चारों ओर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल रोज एंड टमाटो, रोज का पेड़ और टमाटो का पेड़। आज की क्लास आपकी इतनी ही होती है, फोर्थ थी आपकी, चैप्टर आपका आज के यहाँ पे क्लोज होता है, बाकी नेक्स्ट क्लासेस हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम एंड।